ईयर 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 6 डाइंग पेशेंट्स को एक बेड स्केल पर रखा और देखा कि मौत के वक्त उनका वेट एग्जैक्टली 21 ग्राम कम हो गया। क्या ये 21 ग्राम सोल का वेट है या फिर एक कोइंसिडेंस? अगर सोल एग्जिस्ट करता है तो क्या साइंस इसे एक्सप्लेन कर सकता है या फिर ये अभी भी एक मिस्ट्री ही है? नमस्कार, मेरा नाम है शिवम सिंह और आज हम एक ऐसे सवाल में डीप डाइव करने वाले हैं जो हम में से हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आया हो। सोल क्या है? क्या आत्मा सिर्फ एक इमेजिनेशन है? क्या साइंस इसे प्रूव कर सकता है? और स्पिरिचुअल मास्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं? इस वीडियो में साइंस और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इस रहस्य का पर्दा उठाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। डॉक्टर डंकन मैकडूगल का 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में फेमस तो हुआ, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे फ्लॉड माना क्योंकि सिर्फ 6 लोगों का डेटा था और कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं मिला। 2023 में MIT ने ये थ्योरी डिबंक कर दी। उन्होंने कहा, ये वेट लॉस तो लंग्स में स्टोर्ड ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो का रिजल्ट है। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस एक फंडामेंटल रियलिटी है। डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरोफ और फिजिसिस्ट रॉजर पेनरोस का ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन थ्योरी, जो ये कहती है कि कॉन्शियसनेस क्वांटम प्रोसेस से जन्म लेती है और शायद डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करती है। लाइफ बिफोर लाइफ, अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चिल्ड्रंस मेमोरीज ऑफ प्रीवियस लाइफ्स, ये ईयर 2005 में साइकेट्रिस्ट जिम बी ट्रिकर की लिखी हुई बुक है। इसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में 40 साल से ज्यादा टाइम तक की गई रीइंकार्नेशन रिसर्च का ओवरव्यू दिया है, जिसमें बच्चे अपने पास्ट लाइफ मेमोरीज के बारे में बताते हैं जो वेरीफाइड भी है। इसी तरह एक और फेमस रिसर्च डॉक्टर सैम पर्निया की है, जिसमें उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस NDEs को स्टडी किया। उनका कहना है कि कुछ लोग जो पहले क्लिनिकली डेड थे, उन्होंने एक और रियलिटी एक्सपीरियंस की जो उनकी नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी से परे थी। साइंस अभी तक सोल को मेजर नहीं कर पाया है, लेकिन कुछ हिंट्स जरूर मिलते हैं जो इस टॉपिक को और इंट्रीगिंग बना देते हैं। साइंस के अलावा स्पिरिचुअलिटी हजारों सालों से सोल यानी जीव की बात करती आई है, पर अध्यात्म इसे इतने सिंपल तरीके से नहीं देखता। अध्यात्म कहता है, हम जिसे एक अलाइव फिजिकल बॉडी कहते हैं, वो एक्चुअली 5 लेयर्स, जिसको पंचकोश भी बोलते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है। सो तुम्हारी फिजिकल बॉडी बस उन 5 लेयर्स में से एक लेयर है। ये 5 लेयर्स कुछ इस तरीके से हैं। पहला है अन्नमय कोशा, यानी हमारी फिजिकल बॉडी, क्योंकि ये अन्न यानी फूड से बनी है, इसलिए इसे अन्नमय कोश कहते हैं। दूसरी है मनोमय कोशा, यानी हमारी मेंटल बॉडी, जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज को गवर्न करती है। तीसरी प्राणमय कोशा, ये हमारी लाइफ फोर्स है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इट फ्लोज विद ब्रेथ पावरिंग इन आवर ब्रेन, हार्ट बीट एंड अदर ऑर्गन्स। ये तुम्हारी सांस से एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, पर सांस नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। फोर्थ है विज्ञानमय कोशा, ये हमारी विजडम बॉडी है, ये हमारे परसेप्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जैसे कि इंट्यूशन को गवर्न करता है। फिफ्थ एंड लास्ट है आनंदमय कोशा और ब्लिस बॉडी, जो पूरी तरीके से नॉन फिजिकल है, यही वो चेतना है जिसमें पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है और ये इंडिविजुअल नहीं है। अगर इसे सद्गुरु के शब्दों में समझे तो एक बबल इमेजिन करो। बबल के अंदर जो एयर है वो आनंदमय कोश है और बबल का बाहरी हिस्सा बाकी की 4 लेयर्स। अब ये बबल जहाँ जहाँ जाता है वो एक बींग की मल्टीपल लाइफ टाइम की जर्नी है। जब तक ये बबल रहेगा, लाइफ एंड डेथ का साइकिल चलता रहेगा। एक योगी बाहर की 4 लेयर्स को अपनी साधना से तोड़ देता है तो अंदर की हवा, जो अभी तक एक लिमिटेड स्पेस में थी, वो अभी बाहर कॉस्मोस में मिलकर एक हो जाती है। यानी तुम्हारी इंडिविजुअलिटी जो सिर्फ बबल के होने में थी, वो अब खत्म हो जाती है। यही लिबरेशन है, मुक्ति है और स्पिरिचुअलिटी का गोल है। अब एक क्वेश्चन और आता है, अगर सोल या 5 बॉडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो हम भूल क्यों जाते हैं कि पहले या पिछले जन्मों में हम क्या थे? क्या सोल सिर्फ एक इल्यूजन है जो सिर्फ हमें इंडिविजुअलिटी का एहसास दिलाता है? पहले अगर बात करें भूलने की, तो ये नेचर का मैकेनिज्म है हमें प्रोटेक्ट करने का। हम में से कितने लोग हैं जो सिर्फ इसी लाइफ टाइम के ट्रॉमास को हैंडल नहीं कर पा रहे? इमेजिन अगर आपको अचानक से पिछले सारे लाइफ टाइम मेमोरीज याद आ जाएं, तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग कैपेबल हैं इसको हैंडल करने के लिए? बुद्धिज्म और अद्वैत वेदांत कहता है कि इंडिविजुअल सेल्फ एक इल्यूजन है और जो भी एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ एक ही चीज है, प्योर कॉन्शियसनेस। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे सपना और जागृत अवस्था। जब तक आप सपने में हो वो रियल लगता है, पर जैसे ही उठते हो समझ आता है कि वो सिर्फ दिखावा था। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है, अगर सोल सिर्फ एक इल्यूजन है जो इंडिविजुअलिटी का एहसास दिलाती है, तो ये इल्यूजन बनाने वाला कौन है? आपको ऊपर राइट साइड में एक वीडियो सजेशन आ रहा होगा, जिसमें मैंने ह्यूमन कॉन्शियसनेस
परसेप्शन और हमारा ब्रेन रियलिटी को कैसे मैनिपुलेट करता है, इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया है। अगर आपको ये इनडेप्थ जानना है तो वो वीडियो जरूर देखना, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वैल्यू मिली हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द बोल्ड ट्रैक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप सीकिंग कीप ग्रोइंग।